देखिए हमारा बिहारी स्टाइल चिकन कितना सुंदर बनी है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी सुबह को 7:30 के ऊपर हो चुकी है। सारे लोग, बाबूजी और बापी तो निकल गए हैं खेत में, आज धान कटाई होगा तो इसलिए मैं भी थोड़ा ब्रश व्रश करके रेडी हो चुका हूँ और थोड़ा कुछ खाते हैं और निकलते हैं। फिलहाल मैं खा चुका हूँ, बस हम निकलते हैं खेत में। फिलहाल अभी सुबह को टाइम हो रहा है 10:30, क्योंकि मैं 9 बजे भी खेत में जाने वाला था तो गेलू ने रोया कि खेत में जाएगा मेरा साथ, इसलिए मेरे को बैठना पड़ा। तो गेलू थोड़ा पढ़ाई कर रहा था आंगनबाड़ी वाले ने आगे, तो मम्मी ने उसे रेडी करके तो लेके गया है आंगनबाड़ी छोड़ने के लिए। बस मैं अभी निकल रहा हूँ खेत में, तो चलिए निकलते हैं खेत में। और आज धान कटाई होगा, हमारा बाबूजी और छोटा भाई तो निकल चुके हैं, बस मैं अभी जा रहा हूँ। तो मैं अभी खेत में जा रहा हूँ। देखिए हमारा इस साइड धान थोड़ा थोड़ा लग चुका है। तो फाइनली मैंने पहुंच चुका हूँ हमारा खेत के पास। ये देखिए, तो बाबूजी सुबह से आके ये वाला खेत को काट लिया है और ये छोटा सा साइड रखा है। देखिए वो काट रहे हैं अभी, बस मैं भी काट लूंगा। ये हमारा खेत है। तो फाइनली हमने धान काट लिया है, बस अभी जा रहे हैं घर। तो अभी दोपहर को 1:30 बज रहा है, बाबूजी घास काट रहे हैं और हमारा गाय के बछड़ा के लिए। तो मैं चलता हूँ घर, तो चलिए चलते हैं। तो आज धान काटने को मेरे को थोड़ा मज़ा आ गया, क्योंकि धान काटने का जो मज़ा है, जो धान काटेगा वही समझ सकता है। लेकिन जो मैं नहीं काटता है धान, तो उसका कमर में दर्द होता है। मेरे पास कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरा हाथ में थोड़ा पेन हो रहा है। तो अभी नया हम लोग दा पकड़ के काट रहे हैं ना, तो इसलिए तो थोड़ा दर्द हुआ। ये वाला जो खेत है, ये वाला खेत है ये हमारा खेत है। तो मेरा चारों तरफ देखिए, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मेरा चारों तरफ धान का खेत है। फाइनली मैं खेत से आके घर पहुँच चुका हूँ, बस अभी पहुँचा हूँ। देखिए घर में आते आते तो गेलू भी आंगनबाड़ी से आ चुका है और दादी यहाँ पर बैठ के कुछ साग बाँच रही है। ये जो साग है, ये खाने का मज़ा बहुत आता है, क्योंकि ये जो साग है ना, तो लंबा लंबा पकता है, एकदम मस्त खाते हैं। तो ये आज दोपहर में साग बनेगा। अभी 1:30 बजने को 10-15 मिनट बाकी है, तो अभी हम खेत से आके पहुँचे हैं घर। तो अभी हमारा घर में खाना बन रही है, ये देखिए 1:15 हो रहा है। अभी मसाला बांट रही है सिलवटा में। ओह नो, तो यहाँ पर हमारा करी बन रही है, ये उल्कू भी और साथ में पुईनाड़ी। ओह नो, उसका एक करी बनेगा और टमाटर डाल के भाभी ने बनाएगा। तो चलिए आज दोपहर में खाएंगे उल्कू भी और टमाटर का करी। और जब तक करी बनता है तो थोड़ा नहा धो के फ्रेश होते हैं। गेलू यहाँ पर खेल रही है, तो गेलू को लेके चलते हैं, उसे नहलाएंगे। चल चल, उसे नहलाएंगे।
फाइनली मैं नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ। चलिए अब खाते हैं लंच। लंच बन चुकी है, बाबूजी और गेलू बैठ चुके हैं खाने के लिए। देखिए देखिए गेलू खा रहा है साग, ये देखिए। तो दोपहर में बनी है साग और लहसुन खा रहा है, जो साग में जो लहसुन डाला है ना वही वाला लहसुन निकाल के खा रहा है गेलू। लहसुन तो यहाँ पर बाबूजी खा रहे हैं भात। तो हमारा भात आ चुकी है, ये देखिए मैं और गेलू खाएंगे। गेलू दोनों हाथ से खा रही है, ये देखिए। फिलहाल अभी रात हो चुकी है, देखिए अंधेरा होने को लगी है। बस आज डिनर में बनाएंगे चिकन, तो इसलिए ये जो चिकन बनाएंगे एकदम बिहारी स्टाइल चिकन बनाएंगे, तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये जो चिकन है हमने लेके आया है बनारस चिकन, बिहारी स्टाइल से बनाएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो देखे हमारा चिकन बिहारी स्टाइल चिकन कैसे बनाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अभी। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है रात को 7:30 के ऊपर हो चुका है। बस आज हम बनाएंगे चिकन, क्योंकि घर में कुछ मेहमान आए हैं, तो भाभी का बाबूजी आए हैं, तो इसीलिए तो चिकन बनाएंगे। ये जो हम चिकन बनाएंगे तो एकदम बिहारी स्टाइल से बनाएंगे, जैसे कि बिहार में जैसे चिकन बनता है और बिहारी लोग जैसे चिकन खाते हैं, तो इस टाइप के चिकन हम बनाएंगे। तो हमने चिकन काट के एकदम रेडी करके रखा है, तो दिखाते हैं आप लोगों को। चिकन हमने 2 किलो के ऊपर लिया है, देखिए। और अभी डालते हैं इसमें प्याज, देखिए। तो भाभी डाल रहा है प्याज। ये जो हम चिकन बनाएंगे तो बिहारी स्टाइल चिकन बना रहे हैं, तो इसीलिए पहले प्याज डाल रहे हैं उसके ऊपर। तो साथ में डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, ये देखिए। फिर हमने डाला है नमक, अभी डालेंगे हल्दी, ये देखिए। ये रहा हल्दी का डब्बा, ये देखिए ये रहा हल्दी। बस दे दिया तेल, और साथ में चिकन मसाला डाल दीजिए। ये देखिए सबको एकदम अच्छी तरह से मिला लीजिए। यहाँ पर गेलू बैठ के बोल रहा है कि वो जो चिकन का पैर होता है ना, वो पैर भी हमने डाल के रखा है इसमें, तो ये देखिए। तो उसे खाएगा तो इसलिए वो बोल रहा है कि वो मेरे लिए वो चिकन का पैर रखा है कि नहीं। हाँ सब खाएगा सब खाएगा, वो बोल रहा है कि घुसरी मांस खाएगा, जिसे हम बोलते हैं पीग। रिसेंटली तो हमने डाला था पीग का मीट, तो गेलू बिल्कुल भी नहीं खाया, एक भी पीस नहीं खाया। कढ़ाई में तेल डल चुकी है, तो भाभी डाल रहा है तेल, ये देखिए। बस हो जाएगा, इसे थोड़ा चारों तरफ फैलाएंगे, क्योंकि ये अगर इस टाइप का चिकन बन जो बनता है ना वो लगने का चांस है, वो चारों तरफ लग जाता है, क्योंकि इसमें मसाला ऐड किया हुआ है अदरक लहसुन का मसाला। तेल में तेज पत्ता और थोड़ा सा खड़ा मसाला, ये देखिए। और भाभी डाल रहा है चिकन,
ये जो तरीका है एकदम मस्त तरीका है, आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करें, मस्त बनती है चिकन। इसका वीडियो हमने नहीं बनाया, लेकिन हमने बनाया था पहले, खाने के लिए बनाए थे, लेकिन इसका वीडियो हमने बनाया है, तो आज बना रहे हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ऐसा ही रेसिपी घर में बना के खाए। देखिए कितना सुंदर दिख रही है, देखिए बढ़िया दिख रही है। बस इसे ढक देंगे, और ढकने के लिए वो ढक्कन लिया है, देखिए हमारा बड़ा वाला ढक्कन है हमारे पास। देखिए बस चिकन ढक चुकी है, बस वीडियो में आप लोग बने रहें, कहीं मत जाना। तो देखिएगा, तो हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को ये ढक्कन खोलने के बाद। ढक्कन खोल निकालते हैं और खोल के देखते हैं हमारा चिकन कितना पकी है। तो देखिए चिकन में अभी थोड़ा थोड़ा पानी निकल रही है, इसका मतलब है वो बन रही है चिकन। वो बिल्कुल भी नहीं लगी, क्योंकि पहले हमने डाल दिया था तेल, डाल के एकदम चारों तरफ फैला लिया था, तो इसलिए चिकन भी सुंदर हम लोग चिकन बन रही है। प्याज भी एकदम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जैसे कि ब्राउन जैसे हो रही है। देखिए कितना सुंदर बन रही है हमारा चिकन, आज का चिकन एकदम मस्त बनेगा। ये भाभी का, तो ये बिहारी स्टाइल चिकन बनाने का सोचा, तो इसलिए हमने बनाया। तो भाभी बना रही है, तो देखिए आज खाएंगे भाभी का हाथ का खाना, बिहारी स्टाइल चिकन। देखिए हमारा चिकन, देखिए कितना सुंदर बन रही है। देखिए हमारा चिकन एकदम पकने को लगी है, तो चिकन भी हो चुका है, हड्डी से अलग हो रहा है। देखिए देखिए ये वाला हड्डी से अलग हो रही है, देखिए चिकन तो मस्त बन रही है चिकन। देखिए कितना सुंदर कलर आई है, बिहारी स्टाइल चिकन का क्वालिटी क्या है। देखिए जो खाएगा एक बार 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 खाने का मन करेगा। अभी भाभी ने टमाटर काट के डाल दिया है, आप लोग भी डालोगे जो टमाटर एकदम लास्ट में डालना। क्या कलर आई है, ये देखिए हमारा चिकन। मस्त बनी है, आप लोग घर में जरूर बनाइएगा बिहारी स्टाइल चिकन, क्या सुंदर बनी है। आप लोग तो चिकन बनाते होंगे, लेकिन बिहारी स्टाइल चिकन एक बार बना के देखिए, एकदम मस्त बनती है, खाने के बाद बार बार खाने का मन करेगा। देखिए हमारा चिकन कितना सुंदर बनी है, हमने हल्का पानी दिया है तो थोड़ा ग्रेवी के लिए। बस तुम लाल लाल, तो फाइनली डिनर टाइम हो चुकी है, बस सारे लोग बैठ के खा रहे हैं। देखिए तो खा रहे हैं, चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को।
आने वाले टाइम हो रहा है रात को 10:30। बस डिनर में हम खा चुके हैं बिहारी स्टाइल चिकन, तो भाभी ने मस्त बनाई थी बिहारी स्टाइल चिकन, मस्त खाए। और चलिए साथ में एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।